मैं डॉक्टर पद्मा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज के व्याख्यान में मैं आपको डेविड ईस्टन द्वारा व्यवस्था सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया है, तो डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत क्या है और डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का उल्लेख किया, इसके बारे में मेरा आज का व्याख्यान आधारित है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया था कि डेविड ईस्टन ने 1953 में अपनी किताब प्रकाशित करवाई थी जिसका नाम था द पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत क्या है इसका विचार प्रस्तुत किया था। उसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत क्या है इसका उन्होंने द पॉलिटिकल सिस्टम नामक किताब में व्यवस्थित रूप से व्यवस्था सिद्धांत का उल्लेख किया। तो डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था क्या है, अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगे मतलब इनपुट्स को निर्गत मतलब आउटपुट में बदला जाता है, और राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं और प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करती हैं। हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके आधिकारिक निर्णय के परिणामों का समाज के लिए बहुत महत्व है, और इन परिणामों को निर्गत मतलब आउटपुट कहा जाता है। कोई भी व्यवस्था तभी जीवित रह सकती है जब उसमें निरंतर निवेश इनपुट होता रहे, और निवेश के बिना कोई भी राजनीतिक व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती, और निर्गत के बिना नहीं उनके कार्यों को समझाए पहचाना जा सकता है। तो डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से घिरा हुआ माना, जिसमें उन्होंने निवेश और निर्गत का उल्लेख किया। तो डेविड ईस्टन का निवेश निर्गत मॉडल क्या है या व्यवस्था सिद्धांत क्या है ये मैं आपको आज बता रही हूँ। तो डेविड ईस्टन ने निवेश प्रकार मतलब इनपुट से तात्पर्य मांग और समर्थन को माना, अर्थात प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगें रखी जाती है, और जब इन मांगों को रखा जाता है तो मांगों रखने वालों का इन मांगों के पीछे समर्थन होता है। जो राजनीतिक व्यवस्था में जितने भी निर्णय लेने वाले कार्य करता है उनका ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही साथ समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार की मांगों से निपटने की शक्ति भी प्रदान करता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। जिस राजनीतिक व्यवस्था को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होगा वो अधिक समय तक अपने अस्तित्व को बचाए रखने में कामयाब नहीं हो पाती है, और ये समर्थन उसकी मांगों की पूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के कार्यकर्ता कि कौन कौन से उनके सामने मांगे रखी जाएंगी और वो मांगे किन किन मांगों को पूरी करेंगे इसकी क्षमता पर उनकी कार्यशैली का आकलन किया जाता है। तो मांगे हमें यह समझने में सहायता प्रदान करती है कि किस तरह से पर्यावरण संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि मांगों का जन्म सामाजिक पर्यावरण में होता है। मांगों की वैधता व्यवस्था की क्षमता तथा स्थायित्व को समझने में सहायता करता है। मांगे, अब हम चलते हैं मांगे क्या है। डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में मांगे क्या है। मांगों को ईस्टन ने मन की अभिव्यक्ति माना है जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकारिक आवंटन के लिए उन लोगों से जो कि इसको करने के लिए उत्तरदायी है कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होने चाहिए। मांगे कई प्रकार की मानी गई, जैसे संकीर्ण मांगे, विशिष्ट मांगे और सामान्य मांगे। उनको व्यक्त करने वाले लोगों तथा उनके उद्देश्यों पर यह निर्भर करता है, और मांगों का भाव सदैव सत्ता की ओर होता है। मांगों के दो रूप होते हैं, पहला है सुझाव और दूसरा निर्देश। मांगे भी दो प्रकार की होती है, स्पष्ट और अस्पष्ट। मांगे व्यक्तिगत स्वार्थ और जनित दोनों से संबंधित हो सकती है। इसी तरह ईस्टन ने समर्थन का उल्लेख किया कि राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है, कार्य करने के लिए समर्थन का होना बहुत ही आवश्यक है। समर्थन को एक महत्वपूर्ण निवेश माना गया है जिसके होने न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं, और बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ये मांगे एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, और समर्थन एक ऐसी करिए जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं होता है तो मांगों का निवेश के रूप में
विधायन करना संभव नहीं हो सकता। और मांगें सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए मांगों के साथ साथ समर्थन की भी आवश्यकता है। इसी तरह ईस्टर्न ने निर्गत प्रकार या आउटपुट्स का उल्लेख किया। निर्गत ईस्टर्न के अनुसार वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होते हैं। निवेश को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। और राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय लेती है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। इसी तरह फीडबैक मतलब पुनर्निवेशन का भी ईस्टर्न ने उल्लेख किया कि निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, और व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकता पूरी हुई या नहीं, जनता के संबंध में क्या प्रतिक्रिया, इस संबंध में जो सूचना अधिकारियों के पास आती है उसे पुनर्निवेशन कहते हैं। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था के भीतर संपादित होने वाले सभी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पुनर्निवेशन या फीडबैक लूप का है, क्योंकि इसके द्वारा ही संपादित कार्य की प्रक्रिया से राजनीतिक कार्यों का चक्र संचालित होता है। इसी तरह ईस्टर्न ने पर्यावरण का उल्लेख किया कि राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में अन्य उपव्यवस्थाओं, जैसे अन्य उपव्यवस्था कौन कौन सी होती है विद्यार्थी, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक की तरह एक उपव्यवस्था की भूमिका अदा करती है। इसके पर्यावरण से आंशिक रूप से इसकी सहयोगी उपव्यवस्थाओं का बोध होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण, जैविक तत्व तथा समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है। इस तरह से डेविड ईस्टर्न ने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, या जिसे निवेश निर्गत विश्लेषण इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी कहा है, में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण की भांति व्यापक होने के बावजूद इस पर अगतिशीलता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस सिद्धांत ने पुनर्निवेशन जैसी धारणाओं को शामिल करके अपने आप को एक गतिशील सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, और इसने किसी खास राजनीतिक व्यवस्था के साथ अपने को आबद्ध करने से बचाकर तुलनात्मक विश्लेषण को नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। तो ये तो हुआ डेविड ईस्टर्न का आगत निर्गत विश्लेषण इनपुट आउटपुट एनालिसिस। अब इसी तरह ही डेविड ईस्टर्न की तरह आमंड और पावेल ने भी राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का उल्लेख किया, और राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के ईस्टर्न द्वारा दिए गए मॉडल को हम निवेश निर्गत मॉडल कहते हैं, और आमंड पावेल द्वारा दिए गए मॉडल को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल या स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल कहा जाता है। इसलिए आमंड पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मौलिक रूप से ईस्टर्न की व्यवस्था को स्वीकार किया है, किंतु राजनीतिक व्यवस्था के संगठनों को लेकर आमंड ईस्टर्न से बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की तीन विशेषताएँ बताई है। पहला है विशदता यानी कि व्यापकता, दूसरा अन्योन्याश्रितता, और तीसरी सीमाएं। इसलिए आमंड ने सभी व्यवस्थाओं में पांच समानताएं दर्शाई हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता यानी कि राजनीतिक व्यवस्था सब जगह विद्यमान है। दूसरा, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। तीसरा, राजनीतिक प्रक्रियाओं की सार्वभौमिकता। और चौथा, राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यता और राजनीतिक व्यवस्थाओं की सांस्कृतिक रूप से मिश्रित विशेषता। इसे राजनीतिक व्यवस्था के दो प्रकार बताए उन्होंने भी आमंड ने, निवेश और निर्गत। निवेश उन्होंने चार प्रकार के माने हैं। पहला है राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, दूसरा हित अभिव्यक्तिकरण, तीसरा हित सम्मोहन, और चौथा राजनीतिक संचार। इसी तरह निर्गत भी तीन प्रकार के माने, नियम निर्माण, नियम प्रयुक्ति और नियम अधिनिर्णय। इसलिए आमंड का दावा है कि उसका राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत आधुनिक और विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए है, और राजनीतिक संस्कृति की धारणा के आधार पर ही आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी चार श्रेणी में विभाजित किया। आंग्ल अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था, यूरोपियन महाद्वीपीय राजनीतिक व्यवस्था, पूर्व औद्योगिक आंशिक रूप से औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्थाएँ, और सर्वसत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्था हैं। इसलिए आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था को निवेश निर्गत के रूप में देखने के बजाय संरचना और प्रकारियों के रूप में समझने का प्रयास किया, इसलिए उनका राजनीतिक व्यवस्था उपागम के अंतर्गत विस्तार से विवेचन न होकर संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण के उपागम में विस्तार से इसका उन्होंने विवेचन किया है। अब राजनीतिक डेविड ईस्टर्न का और
आमंड और पावेल के रैंतिक व्यवस्था रैंतिक संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत के उल्लेख के बाद रैंतिक व्यवस्था उपागम का क्या लाभ है? तो विद्यार्थी रॉबर्ट सीबोन ने माना कि रैंतिक व्यवस्था उपागम से तुलनात्मक विश्लेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन प्रस्तुत हुआ है, क्योंकि इससे तुलनाएं करना आसान और उपयोगी हो जाता है। इसीलिए तरह डॉक्टर एस पी वर्मा ने डेविड ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत की दो विशेषताएँ बतलाई। पहला, इस विश्लेषण में संतुलन दृष्टिकोण से आगे जाकर व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों और गत्यात्मकताओं पर ध्यान दिया गया, और दूसरा, तुलनात्मक राजनीति में इसके द्वारा स्थापित प्रत्ययों प्रविधि और अवधारणाओं के माध्यम से संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का तुलनात्मक अवलोकन किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के से जो लाभ है वो इस प्रकार है कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है और राजनीतिक व्यवस्थाओं के गत्यात्मक विश्लेषण का मार्ग खोल देता है, और इस दृष्टिकोण का संबंध किसी विचारधारा से नहीं होने के कारण हर राजनीतिक व्यवस्था के इस दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा तुलना और विश्लेषण करना संभव हो जाता है, और इससे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तनों और विकास की दिशा का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता या सामर्थ्य का संकेत मिल जाता है, और यह अवधारणा विकास की गति का भी संकेत देने में समर्थ है। धन्यवाद।